हेलो, सभी फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे चैनल यूपी ब्लॉगर नाव्या में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोगों। मैं भी हूँ बहुत अच्छी। और मैं कर रही हूँ रात के डिनर के लिए तैयारी, और आटा कर रही हूँ मैं तैयार। आपको आज मैं यही दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या मैं करने वाली हूँ। मेरा आटा हो चुका है तैयार, और अब चटनी। और मैं बनाने वाली हूँ चटनी, तो फटाफट चटनी बना लेते हैं हम। आम की खट्टी मीठी चटनी, खट्टी मीठी नहीं, खट्टी ही। और ये कच्चा आम है, और आप लोगों को भी खिलाती हूँ मैं चटनी। फ्रेंड्स, मैंने सब्जी में बनाए थे छोले, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो शाम को मैंने रोटियां थी, छोले की सब्जी और चटनी। इतनी सारी ग्रीन चिली से बनानी है चटनी, और बहुत ज़्यादा चटपटी और टेस्टी होने वाली है ये चटनी। और हमारी चटनी हो चुकी है पीस के रेडी। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। जो भी अब बर्तन हुए थे, मिट्टी का जार वगैरह, इस सबको मैं अब धुल के रख देती हूँ। किचन बिल्कुल क्लियर है, और उसके बाद बनानी है मुझे रोटियाँ। तो आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू मेरी वीडियो पे। चलिए बनाते हैं फटाफट रोटियाँ, और फिर करते हैं डिनर आप लोगों के साथ। और फ्रेंड्स, जो भी मिस्टेक हो रही हो, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है, बहुत कोशिश की है तब जाके ऐसा हुआ है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। मैं बना रही हूँ रोटियाँ, आप देखिएगा पता नहीं कैसी बन रही हैं। और यहाँ पे मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है। रोटियाँ वगैरह सब बना के डिनर कर चुकी थी, तो सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को नहीं दिखा पाई मैं। और अब अपना कर रही हूँ मैं किचन साफ, जो भी बर्तन थे उन सभी को साफ करके रख रही हूँ। यही मेरा रूटीन रहता है, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है फ्रेंड्स। मुझे भी लग रहा है कि शायद मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी इग्नोर कीजिएगा। और जो मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। जो भी मिस्टेक हुई है उनको ठीक करने की कोशिश करूँगी। अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है आगे धीरे धीरे सुधार होता रहे, और कुछ अच्छा मैं करती रहूँ, अच्छे ब्लॉग लाती रहूँ। आप लोगों को पसंद आने के ऊपर है कि आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है। बस अब यही देखना है कि ब्लॉगिंग मेरी चलती है या नहीं चलती है, क्योंकि ब्लॉगिंग चलती है, लाइक मिलता है, तभी मन करता है आगे ब्लॉगिंग करने का। तो अब देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आता है मेरा ब्लॉग। इसीलिए मैंने आज फर्स्ट ब्लॉग, बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है। फ्रेंड्स, मेरे हो चुके हैं बर्तन साफ, और बस अब सिर्फ करना है गैस चूल्हा साफ, और ये स्लिप साफ करना है। मेरा हो चुका है वर्क, रूटीन वर्क हो चुका है कंप्लीट, और मैं किचन भी कर दिया है मैंने बिल्कुल साफ। अब थोड़ी देर करती हूँ आप लोगों से बात। बस इतना कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सकूँ। और आज गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा। आप लोग कोशिश कीजिएगा प्लीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करने की, और जो भी हो कमी प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अभी मैंने नया स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग करना, कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँ। तो अभी नया स्टार्ट किया है मैंने ब्लॉगिंग किया है अभी नया स्टार्ट। थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रही थी, प्रॉब्लम भी हो रही थी ब्लॉगिंग करने में, क्या करूँ कैसे करूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश किया है मैंने। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और थोड़ा सा भी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
ज़रूर, क्योंकि जब तक आप लोग लाइक या सब्सक्राइब नहीं करेंगे या शेयर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर तो बनता है ना। जैसी भी हूँ जो भी है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ ओवर एक्ट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ ज़बरदस्ती कुछ दिखाए, जो जैसी हूँ, जैसा घर है, जो मेरा रूटीन है, वही सब मैं आपको दिखाती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद भी आए मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियोज़। तो प्लीज़ थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आगे ज़रूर बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, मुझे ज़रूर, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ, साथ मिलती हूँ, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी ज़रूर मैं आप लोगों को। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं ज़रूर आगे बढ़ पाऊँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।